हेलो फ्रेंड्स, वैसे तो आम के कई गुणों के बारे में मैं आपको पहले भी परिचित करा चुकी हूँ, लेकिन आम के गुण है ही इतने सारे कि आज मैं आपकी दोस्त फिर से आपके लिए कुछ और गुण लेकर आई हूँ आम के संदर्भ में। तो आइए आज जानते हैं आम के कुछ और गुणों के बारे में करीब से। नंबर वन है सूखी खांसी। सूखी खांसी को ठीक करने के लिए पके हुए आम को राख के अंदर भूनकर उसका टेस्ट ले सकते हैं या फिर उसका सेवन कर सकते हैं। इस प्रक्रिया को आप तब तक कर सकते हैं जब तक आपकी सूखी खांसी में आपको आराम मिलना शुरू ना हो जाए। इस प्रभाव का कोई भी दुष्प्रभाव या नुकसान नहीं होगा। टू, भूख बढ़ाने के लिए आम के रस के अंदर थोड़ा सी चीनी और थोड़ा सा सेंधा नमक डालकर नियमित रूप से सेवन करने से भूख बढ़ती है। टिप नंबर थ्री, खून की कमी को पूरा करने के लिए एक ग्लास गाय के दूध के अंदर एक कप मैंगो प्यूरी या फिर मैंगो के जूस को मिलाकर उसके अंदर स्वाद अनुसार शहद मिलाकर इसका सेवन करने से शरीर के अंदर खून की कमी पूरी होती है। नंबर फोर, दांतों के संक्रमण, दर्द और मसूड़ों के दर्द को दूर करने के लिए आम बहुत फायदेमंद है। आम की गुठली को अच्छे तरीके से पीसकर और पाउडर बनाकर इसका मंजन करने से दांतों में होने वाले संक्रमण, मसूड़ों के दर्द और दांतों के पीलेपन से आप अपने आप को छुटकारा दिला सकते हैं। टिप नंबर फाइव, अक्सर गर्मियों के मौसम में बच्चों की नकसीर फूट जाती है जिसकी वजह से नाक से खून बहना शुरू होता है, इसीलिए उसे ठीक करने के लिए आम के गीले के रस को नाक में एक दो बूंद टपकाने से ही काफी आराम मिलता है। टिप नंबर सिक्स, जले हुए अंग को ठीक करने के लिए आम बहुत ही लाभकारी है। यदि किसी वजह से आपके हाथ या पैर पर किसी हिस्से पर जल जाता है तो आम की पत्तियों को जलाकर उस चूर्ण को या फिर उस राख को संक्रमित जगह या फिर प्रभावित जगह पर लगाने से काफी आराम मिलता है। नंबर सेवन, हाथ पैरों पर कई बार काफी जलन होती है, उस जलन को दूर करने के लिए आप आम के फूलों को अच्छे तरीके से संक्रमित या फिर प्रभावित जगह पर रगड़ सकते हैं। ऐसा करने से जलन धीरे धीरे कम होना शुरू हो जाती है। टिप नंबर एट, पाचन क्रिया यदि बहुत ज्यादा कमजोर है तो 100 मिलीलीटर आम के रस के अंदर 2 ग्राम सॉल्ट मिलाकर सुबह सुबह खाली पेट पीने से पाचन क्रिया बहुत ही ज्यादा स्वस्थ बनती है। नंबर 9 है डायबिटीज के पेशेंट्स के लिए। जिन लोगों को शुगर बहुत ज्यादा बढ़ी हुई है उन्हें रोजाना आम के 8 से 10 पत्तों को अच्छे तरीके से साफ करके धोकर चबाना चाहिए। ऐसा करने से वो अपनी शुगर को कंट्रोल कर सकते हैं। टिप नंबर 10, आम की छाल के रस को पीने से बहुत ही ज्यादा फायदा मिलता है बवासीर या फिर रक्त प्रद में। सो फ्रेंड्स, ये थे आम के कुछ और फायदे। इन सारे टिप्स को आजमाइए और अपने व्यूज को हमारे साथ शेयर करिए। मेरी ब्यूटी और हेल्थ से रिलेटेड वीडियोस को देखने के लिए YouTube पर लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए।